साउंड। तो साउंड क्या होता है वैसे? देखो साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको सुनने की सेंसेशन देती है या सुनाई देती है। ठीक है, मतलब हम कोई भी जो वॉइस है वो सुनते हैं। क्यों? एक्चुअली वो एनर्जी है, और वो एनर्जी हमको क्या करती है, सेंसेशन देती है सुनने के लिए। जैसे लाइट है, वो भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने की एक सेंसेशन देती है। ठीक है, तो वैसे ही साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी साउंड, मतलब किसी भी साउंड या वॉइस को क्या करता है, सुनने के लिए हेल्प करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। और साउंड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हम डिफरेंट तरह के साउंड सुन सकते हैं। तो वो, और जो हम सुन सकते हैं उसी को साउंड बोलते हैं। कई ऐसे भी वाइब्रेशंस होते हैं जो हम नहीं सुन सकते, ठीक है, उनको साउंड हम नहीं बोलते हैं। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कौन से साउंड हम नहीं सुन सकते। तो जो नहीं सुन सकते उनका हम जनरली साउंड नहीं बोलेंगे, साउंड हम उसको बोलेंगे जो हम सुन सकते हैं, तभी हमारे लिए मतलब है उसका साउंड है। अगर नहीं सुनाई दे रहा तो ये थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पे आवाज हो रही है, साउंड है। ठीक है, तो लिखो, देखो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। ठीक है, अच्छा, अब जनरली जैसे साउंड जनरेट होता है तो किस कारण से जनरेट होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू। जैसे हम कोई भी साउंड देखें, जैसे मान लो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो भी म्यूजिक है, जैसे अगर मान लो वायर्स हैं इंस्ट्रूमेंट पे, तो वायर्स को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। या हम बोलते हैं तो बोलते में तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो साउंड है वो बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो वाइब्रेशंस जनरेट हुए, अब हमारा कान क्या करता है, अब कान में जो कान का पर्दा बोलते हैं, एयर ड्रम है, वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है जब साउंड उस तक पहुंचता है। और साउंड जब वहां पहुंच के एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, फिर जो अपना एयर है वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है, जो कहाँ तक पहुँचते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से साउंड जो है हमको सुनाई देता है। अब नॉर्मली जो साउंड होते हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं साउंड है, तो अलग अलग तरह के साउंड हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम जब साउंड का यूज करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, जब लेबोरेटरी में उसको यूज करते हैं, उसको बोला जाता है ट्यूनिंग फोर्क। थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, तो ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क के किस तरह का यू शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, शायद अभी तुमने नहीं देखा हो हायर, हाँ लैब में अगर दिखाया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 11th क्लास में जब जाओगे तब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है। और एक इस तरह से रबर पैड रहता है,
फिट हो गए तुम, ठीक है ना, क्लास में क्लास की तरह बिहेव करो, नहीं तो फिर मजाक मत समझो। ठीक है, तो रबर पैड रहता है, ट्यूनिंग फोर्क है, तो ट्यूनिंग फोर्क को क्या करते हैं हम, इस रबर पैड पे हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं तो ये इसके प्रॉन्ग्स कहलाते हैं, ये जो है कहलाते हैं इसके प्रॉन्ग्स। ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अपन उसको सुन भी सकते हैं, जब वाइब्रेट करेगा वो तो वाइब्रेशंस को हम सुन सकते हैं, और इसको यूज किया जाता है जिससे कि जो साउंड मिलता है एक्चुअली क्या होता है, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब यह है कि जनरली जो साउंड वगैरह है अपन आगे देखेंगे, इनको वेव फॉर्म की टर्म्स में देखा जाता है। तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं या कोई भी नॉर्मल सोर्स है उसका साउंड ऐसा 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 कुछ अजीब सा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसे साउंड से एक्सपेरिमेंट करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस या वाइब्रेशंस एक तरीके से क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। और ट्यूनिंग फोर्क का जो वाइब्रेशन होता है वो ऐसा स्मूथ वाइब्रेशन होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली कोई भी चीज डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे अगर फंक्शन होंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी, ऐसा आगे बन देखेंगे, इसको क्वालिटी बोला जाता है कि उस वेव फॉर्म की क्वालिटी कैसी है, खराब है, इस वेव की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे कि साउंड, ये तो देख लिया हमने कि क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करती है। देन साउंड कैसे प्रोपिगेट करता है, प्रोपिगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो साउंड वैक्यूम में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यों, पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स होने से क्या होता है, हाँ, तो साउंड कैसे प्रोपिगेट करता है, जब हमने वाइब्रेशंस जनरेट किए, जो भी सोर्स है, जैसे मान लो चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको वाइब्रेट किया, या हमने बोलना शुरू किया, हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हुई, तो क्या हुआ, जो मुंह के आगे पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने पड़ोस वाले पार्टिकल्स को भी क्या करते हैं, फिर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो फिर आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते हैं। इस तरीके से वो वाइब्रेशंस, जब हमारे कान वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, कान के पास वाले, फिर हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। अगर वो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो फिर जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो भी हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो साउंड के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, और पार्टिकल्स भी ऐसे होने चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हो, कनेक्टेड इन द सेंस कि एक पार्टिकल वाइब्रेट करे तो वो दूसरे को वाइब्रेट कर सके। जैसे ऐसे मान लो कि बहुत सारी साइकिल्स लगी हुई है लाइन में, एक साइकिल गिराएंगे तो सारी गिर जाएंगी, तो साइकिल तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जो धक्का दिया हमने वो धक्का कहाँ बढ़ गया, आगे चला गया। लेकिन साइकिल के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो एक साइकिल गिराएंगे तो आगे जाएगा धक्का, नहीं जाएगा। तो ऐसे साउंड भी क्या है, उसमें पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, सिर्फ क्या आगे जाता है, वाइब्रेशन या एनर्जी आगे जाती है, एक फॉर्म एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, और पार्टिकल का कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता, मतलब एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल्स ही जाने लगे, मान लो अपन बोल रहे हैं, अब यहां से पार्टिकल्स जा रहे हैं, अब पार्टिकल्स जाएंगे तो थोड़े समय तो पार्टिकल खाली हो जाएंगे, फिर साउंड जाना ही बंद हो जाएगा। तो पार्टिकल्स नहीं जाते, पार्टिकल्स बस क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, वो फिर फर्दर आगे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से साउंड का प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, तो ये सब अब हम देखते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, अब वो अपने आगे ज्यादा पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रहा होगा, जैसे यहां से हमने मुंह से बोला तो यहाँ पे इतने पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए इतने रीजन के, लेकिन अब वो अपने आसपास थोड़े ज्यादा पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, वो फिर थोड़े
और ज्यादा पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, इसीलिए वो साउंड सीधा जाने की बजाय हर जगह जाता है। सामने जो बैठा है वो भी सुन रहा है, कोने में जो बैठा है वो भी सुन रहा है, लेकिन अपन देखेंगे जैसे जैसे दूर जाएंगे साउंड क्या होता जाएगा, उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या होता जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही है, वो एनर्जी जितने ज्यादा पार्टिकल्स में या जितने ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाएगी उतना क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी टोटल अपन उतनी मान सकते हैं, वैसे एनर्जी भी थोड़ी सी लॉस होती है, लेकिन अपन एनर्जी को फिर भी क्या मान सकते हैं, सेम। कि मान लें अगर एनर्जी पूरी सेम भी है तो वो क्या होती जा रही है, डिफरेंट ज्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड होती जा रही है, तो जो इंटेंसिटी होगी या अपन जो सुन रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा एक तरीके से वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ऐसे मान लो कि 100 रुपए थे, सामने दो लोग थे, उनको बांटे तो 50-50 हो गए, उन्होंने फिर दो दो को बांटे, तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है, कम। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जी जितने ज्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड होती जाएगी उतनी वो एनर्जी पर पार्टिकल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। देखो इसमें साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स In laboratory, sound is produced by a tuning fork. In laboratory, sound is produced by a tuning fork by striking its one prong. By striking its one prong on a soft rubber pad, on a soft rubber pad, it's one prong. P in laboratory, sound is produced by a tuning fork by striking its one prong on a soft rubber pad. अगले, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है, तो जो भी मैटर या सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रेवल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिखो, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आगे लिखो, देखो, when an object vibrates, it sets the
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग, अराउंड इट वाइब्रेटिंग। द पार्टिकल्स themselves, the particles themselves do not actually transfer from, do not actually transfer from one point to another. They will only transfer the vibrations. They will only transfer the vibrations by vibrating the nearby particles. Transfer the by vibrations. By vibrating the nearby particles. ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन ये है कि साउंड क्या है, क्या ऑब्जर्व किया है, लिक्विड से धीरे ट्रेवल करता है। नहीं, गलत ऑब्जर्वेशन है। साउंड लिक्विड्स में फास्ट ट्रेवल करता है कंपेयर टू गैसेस। ऐसे कैसे पता चलेगा अपने को? साउंड अपने को इतनी जल्दी सुनाई देता है तो अपन ह्यूमन इतना ऐसे एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ से तेज आया, कहाँ से धीरे आया, और हम कैसे स्पीड मेजर कर रहे हैं? स्पीड तो डिपेंड करेगी जो बोल रहा है, और बोल रहा है और उसे ट्रैवल करके तुम्हारे कान में आया, तुम कैसे मेजर कर सकते हो उसकी स्पीड? तो वो तो अपन मेजर नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि किसने क्या बोला। अब वो बोला और जब हमारे कान में आवाज आई, अब उसकी स्पीड मेजर करने के लिए तो पहले ये पता होना चाहिए उसने किस टाइम पे बोला, हमारे कान पे किस टाइम पे आवाज गई, फिर हमारे बीच में डिस्टेंस क्या थी, देन डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम क्या बता सकते हैं, स्पीड। तो ऐसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली कि कहां पे तेज है, कहां पे धीरे है। ठीक है, तो जनरली आगे अपन देखेंगे, वैसे सॉलिड्स में स्पीड सबसे ज्यादा होती है साउंड की, फिर लिक्विड्स में होती है, और फिर गैसेज में। बाकी इसको पार्टिकल्स के टर्म्स में अपन समझा सकते हैं कि पार्टिकल्स गैसेस में दूर दूर होते हैं तो उनको एनर्जी ट्रांसफर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लिक्विड्स में थोड़े और नज़दीक होते हैं तो वो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉलिड्स में और नज़दीक होते हैं तो और जल्दी क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, एक एक बॉक्स, मतलब टीन का बॉक्स लिया, उसमें एक वायर डाला और एक जगह से बोल रहे हैं दूसरी जगह सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वायर एक सॉलिड मीडियम है तो उसमें क्या है, साउंड फास्ट ट्रेवल करेगा और ज़्यादा दूरी तक क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम बोल के हो सकता है उस डिस्टेंस पे कम्युनिकेट ना कर सकें क्योंकि साउंड की स्पीड क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा गलत है कि लिक्विड में स्पीड कम हो जाती है। हाँ, अगर अपने चलने की स्पीड की बात करें तो वो कम हो जाती है, अपन एयर में ज़्यादा तेजी से चल सकते हैं और लिक्विड में क्या हो जाता है, थोड़े से कम हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन साउंड की स्पीड हम ऐसे ना तो डिटेक्ट कर पाएंगे ना ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो साउंड में क्या हो रहा है कि जैसे पार्टिकल है या अपन इसको एक सरफेस जैसा मान लें, तो ये सरफेस हमने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो ये सरफेस आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने जो इसके आगे
सरफेस है, इसको क्या करेगा? वाइब्रेट। अब एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जनरली ऐसे पार्टिकल्स फ्री भी नहीं होते, इनके बीच में क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस लगते हैं, और वो फोर्स नियरली हम स्प्रिंग फोर्सेस के जैसा देख सकते हैं। मतलब रफली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स जैसे होते हैं। तो अगर हम ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग लेयर्स देखें तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आगे वाले लेयर को भी क्या करेगा, धक्का देगा, तो ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा तो वो फिर आगे वाले को कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग में वापस क्या होती है, अपनी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह से ये एक्चुअल में आगे नहीं बढ़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि आगे जाके आगे रह जाएगा, आगे जाएगा फिर कहाँ आएगा, पीछे आएगा, लेकिन आगे जाने और पीछे आने में उसने क्या किया, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी, फिर ये आगे जाएगा पीछे आएगा तो ये अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह से एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। ठीक है, तो मेन चीज यही होती है जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में कैसे होने चाहिए, कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड मतलब उनके बीच में क्या लगने चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिससे एक पार्टिकल डिस्टर्ब होके दूसरे को क्या कर सके, डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, आ रहा है समझिए। अब देखो इससे होता क्या है, मीडियम में जब हम बोल रहे हैं या हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में बात करें, अगर एक ट्यूनिंग फोर्क है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ये वाइब्रेट कर रहा है, अब वाइब्रेट करेगा तो मतलब इस तरह से दो पोजीशंस के बीच में क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। अब मान लो ये यहां से यहां जा रहा है, ठीक ना, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, तो जब ये आगे की तरफ जाता है तो आगे जाता है तो जो इसके पास में लेयर्स हैं या पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, बढ़ा देगा मतलब उनको धक्का दे रहा है, उनको धक्का देगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे जा रहा है तो पार्टिकल्स को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है तो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे तो वहां पे डेंसिटी और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो एक रीजन में कुछ हम पार्टिकल्स माने, जैसे इतना रीजन है, अब इस रीजन में पार्टिकल्स का मास तो सेम है, लेकिन अगर ये लेयर्स नजदीक आ गई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो मास उतना ही है, वॉल्यूम कम हो गया, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ जाएगी और ऐसी लेयर्स नजदीक नजदीक होंगी तो वो ज्यादा प्रेशर वहां पे आ जाएगा उस रीजन में। ठीक है, तो जब ये आगे जाता है तो क्या करता है, लेयर्स को नजदीक लेके आ जाता है, फिर ये क्या होगा, पीछे भी जाएगा, पीछे जाएगा तो क्या करेगा, लेयर्स मतलब मान लो नेचुरली लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, मान लो जब वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं तो लेयर्स कैसी हैं, ऐसे, जब इसने आगे गया तो लेयर्स को कैसा कर देगा, ऐसा कर देगा, नजदीक ले आएगा, जब ये पीछे जाएगा तो फिर लेयर्स को क्या करेगा, अब पीछे जाएगा तो यहां पे क्या करेगा, पीछे जा रहा है तो यहां पे एक कम डेंसिटी वाला रीजन क्रिएट करेगा, क्योंकि लेयर्स को आगे भेज दिया था, अब पीछे आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम करेगा या लेयर्स को क्या करेगा, इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये लेयर्स जो नॉर्मल पोजीशन थी उससे क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी दूर हो जाएंगे। अब ये तो हमने एक पार्ट देखा कि सिर्फ आगे गया तो ऐसा होगा, सिर्फ पीछे आएगा तो कैसा होगा, इस तरह से। अब कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस होते रहते हैं, जब कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस होंगे तो एक हाफ में, मतलब जब नेगेटिव, इसको साइकिल बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन को, यहां से यहां जाना और वापस आने को क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट ऑसिलेशन या वन कंप्लीट साइकिल।
तो हाफ ऑसिलेशन में क्या करेगा, लेयर्स को नजदीक लाएगा, हाफ ऑसिलेशंस में लेयर्स को क्या ले जाएगा, दूर। तो ये जो लेयर्स को नजदीक लाता है यानी क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो ये जो बनता है हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, तो जब लेयर्स को ये नजदीक ला रहा है इसको बोला जाता है कंप्रेशन, और फिर जब दूर ले जाएगा तो इसको बोला जाता है रेयरफैक्शन। अब कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस हो रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क के, ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे कर रहा है, वाइब्रेट कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन भी जनरेट करेगा और रेयरफैक्शन भी जनरेट करेगा। अच्छा, लेकिन ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट हो रहे हैं ये ऐसा नहीं वहीं के वहीं रहेंगे, अब इसने यहां डिस्टर्ब किया पार्टिकल्स को, अब वो डिस्टर्बेंस क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मली मान लो पार्टिकल्स इस तरह थे, तो यहां पे पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े से नजदीक नजदीक आ गए। ठीक है, नॉर्मली, और यहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो ये मतलब होता है कंप्रेशन या रेयरफैक्शन का। तो कंप्रेशन में पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, रेयरफैक्शन में क्या होगा, दूर चले जाएंगे। तो जब कंटिन्यूस वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो जो कंप्रेशन जनरेट हुआ वो आगे भी बढ़ेगा, डिस्टर्ब जो हमने डिस्टर्बेंस किया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो इधर डिस्टर्ब हुए अपने आगे वालों को डिस्टर्ब करेंगे। तो वो जब आगे बढ़ता जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, मान लो ये एक रीजन मान ले, इसमें इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहां पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कुछ दूर दूर हो गए, फिर यहां पे पार्टिकल्स कैसे हो गए, पास पास हो गए, फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, फिर पार्टिकल्स पास पास हो गए, इस तरह से। तो इस तरह से अल्टरनेटली, तो ये ठीक है ना, बुक में डायग्राम देखना थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स कहीं पर तो क्या हो जाएंगे, नजदीक होंगे, कहीं पर दूर होंगे। तो ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन। तो इस तरह से ये डिस्टर्बेंस क्या करता है, आगे प्रोपिगेट करता है। तो ये डिस्टर्बेंस आगे प्रोपिगेट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है बना लो, फिर इसको लिखते हैं अपन। अच्छा, इसको लेयर्स की फॉर्म में भी बना सकते हो कि अगर हम मान ले एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं तो लेयर्स के बीच की क्या होगी, सेपरेशन, ऐसे कहीं पे तो बढ़ जाएगी, कहीं पे वो सेपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर वो सेपरेशन बढ़ जाएगी, फिर वो सेपरेशन कम हो जाएगी, फिर वो सेपरेशन ऐसे बढ़ रही है, फिर वो सेपरेशन कम हो रही है। जैसे यहाँ पे सेपरेशन बढ़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन, और जहाँ पे सेपरेशन कम हो रही है उसको कंप्रेशन। ऐसे जो साउंड प्रोपिगेट करता है ये किस फॉर्म में करता है, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, इस तरह से प्रोपिगेट करता है। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो इसमें, when the prongs are in, when the prongs are, yeah, at rest,
when the prongs are at rest, the air in their surroundings, the air in their surroundings, the air in their surroundings has normal density, has normal density. ठीक है, तो इसको अगर अपन कुछ फिगर्स को नाम दे दें, इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फिगर ए. तो ए वाली फिगर, ठीक है ना, जब प्रॉन्ग्स रेस्ट पर हैं तो एयर किस में है, अपनी नॉर्मल डेंसिटी पे है. आगे लिखो, एज एज द राइट प्रॉन्ग, एज द राइट प्रॉन्ग मूव्स टूवर्ड्स राइट, moves towards right, it pushes the air to the right, it pushes the air to the right. This produces a compression. ब्रैकेट में लिख लो फिगर बी, फिगर बी. इसी में आगे लिखो, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेस, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है, तो कंप्रेशन वाले रीजन में डेंसिटी या प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. आगे लिखो, एज द प्रॉन्ग मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, एज द प्रॉन्ग मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, vacating the space, vacating, vacating, vacating the space, density of air falls in the region, density of air falls in the region, and a rarefaction is produced. A rarefaction is produced. ठीक है, फिगर सी, जो सी वाला फिगर है. ठीक है, तो rarefaction वाले रीजन में डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम. ठीक है ना, तो इन द रीजन ऑफ rarefaction, in the region of rarefaction, density and pressure decreases. Density and pressure decreases. अच्छा, अब ये जो rarefaction compression, rarefaction compression कंटिन्यूसली ये जनरेट होता रहेगा, तो एक rarefaction और कंप्रेशन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक वेव बोल देते हैं. यानी एक ऑसिलेशन में जो ट्यूनिंग फोर्क है वो क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा, क्योंकि वही पैटर्न क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है. तो एक rarefaction और कंप्रेशन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एक वेव या एक ऑसिलेशन. तो एक ऑसिलेशन में एक वेव जनरेट होगी. तो अगर एक सेकंड में ये 10 ऑसिलेशंस करेगा तो कितनी वेव्स जनरेट होंगी, 10 वेव्स जनरेट होंगी. इसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ट्यूनिंग फोर्क की, बेसिकली कि एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा, और जितनी बार ऑसिलेट करेगा उतनी ही क्या करेगा, वेव्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, आगे लिखो, वन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन
वन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म्स वन वेव, वन वेव. सो वन वाइब्रेशन ऑफ द प्रॉन्ग, सो वन वाइब्रेशन ऑफ द प्रॉन्ग हैज जनरेटेड वन वेव. One vibration of the prong has generated one wave. ठीक है, आगे लिखो. In one second, as many waves will be generated, in one second as many waves will be generated as the number of vibrations, as the number of vibrations of the tuning fork in one second. Of the tuning fork in one second. This number is called frequency of tuning fork. This number is called frequency of tuning fork. ठीक है, तो एक सेकंड में जितनी बार ये वाइब्रेट करेगा उतनी ही क्या करेगा, वेव्स जनरेट करेगा. इसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी. तो जो वेव जनरेट होगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ट्यूनिंग फोर्क के बराबर होगी, क्योंकि जितनी बार ये वाइब्रेट किया उतनी वेव्स जनरेट हुई. अब वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में वेव एक पॉइंट से कितनी वेव क्रॉस करी. तो जितनी वेव्स जनरेट करेगा एक सेकंड में उतनी ही वेव्स क्रॉस करेंगी किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में. तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी. तो लिखो इसमें आगे, हेंस वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हेंस वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू the frequency of the tuning fork. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो हमको सीखना है, याद रखना है कि जो भी वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे. जिस सोर्स से वेव जनरेट होगी वेव की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, उसी सोर्स के. जैसे ट्यूनिंग फोर्क से वेव जनरेट हुई तो जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होगी. इसीलिए हम देखते हैं अलग अलग सोर्स से जो साउंड आता है वो अलग अलग तरह का लगता है. ऐसा नहीं कि गिटार का साउंड है या तबले का साउंड है सब एक जैसे सुनाई देंगे. सब कैसे सुनाई देंगे, अलग अलग. क्यों, क्या अलग होगा उनका, सोर्स अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग. ऐसी अपन पर्सन की वॉइस भी पहचान लेते हैं, यहाँ इस पर्सन की ये वॉइस होगी, उसकी वॉइस सुन के पहचान लेते हैं कई बार कि ये पर्सन. क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग होती है. या खासकर फीमेल वॉइस और मेल वॉइस कॉमनली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम किसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. फ्रीक्वेंसीज क्या रहती हैं उनकी, अलग अलग रहते हैं. ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, frequency of a wave depends on the source which has produced the wave. Frequency of a wave depends on the source, depends on the source which has produced the waves. Which has produced the waves.
तो जिस सोर्स ने वेव्स प्रोड्यूस की हैं फ्रीक्वेंसी उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो रेयरफेक्शन कंप्रेशन है ये क्या करता है, एक वेव फॉर्म करता है। अगर हम इसको ग्राफिकली वेरिएशन देखें प्रेशर या डेंसिटी का, ये प्रेशर और डेंसिटी को अगर हम देखें कि कैसे ग्राफिकली वेरी करेगी, और ये है एवरेज प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये जो लाइन है ये उसको डिनोट कर रही है, और हम बना रहे हैं विद डिस्टेंस, जैसे से डिस्टेंस आगे बढ़ रही है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, देखो ये एवरेज प्रेशर है, मतलब जैसे अगर कोई साउंड नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है। जैसे हम एटमॉस्फेयर की ही बात करें तो अगर साउंड नहीं है तब भी वहां पे क्या होगा, प्रेशर तो है लेकिन लेयर्स क्या होंगी, बराबर बराबर दूरी पर होंगी। अब साउंड जब प्रोपेगेट करता है तो जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे लेयर्स नजदीक आ जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी तो जितना प्रेशर होगा उससे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब दूर चली जाएंगी तो जितना प्रेशर है उससे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कंप्रेशन, यहां पे प्रेशर बढ़ गया, ये किसको डिनोट कर रहा है कंप्रेशन, यहां प्रेशर क्या हो गया कम, तो ये किसको डिनोट कर रहा है रेयरफैक्शन, तो ये डिनोट कर रहा है यहां पे कंप्रेशन, ये किसको डिनोट कर रहा है रेयरफैक्शन। या जब हम इस तरह से वेव बनाते हैं तो जो इसका पीक होती है इस पीक को हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, और जो वैली होती है ये लोअर मोस्ट पॉइंट इसको ट्रफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा इस तरह से, तो ऐसा प्रेशर क्या होता है बढ़ेगा, फिर क्या होगा कम, फिर कम होके एवरेज से भी कम होगा, फिर दोबारा बढ़ेगा। तो जहां प्रेशर बढ़ रहा है वो कंप्रेशन पल्स भी बोल सकते हैं, इसको एक वेव बोला जाता है, एक पार्ट को क्या बोल देते हैं अपन पल्स भी बोल देते हैं, तो ये कंप्रेशन पल्स कहलाती है, ये क्या कहलाती है रेयरफैक्शन पल्स। और अगर ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो पीक होती है उसको क्या बोलते हैं क्रेस्ट, और जो वैली होती है उसको ट्रफ। क्या ऐसे नहीं आएगा, कहां पे, अच्छा सॉरी पर ये गलत लिख दे, सॉरी सॉरी ये ट्रफ। ठीक है, हाँ बना लो ये। ठीक है, तो ये साउंड हुआ कि साउंड किस तरह से प्रोपेगेट करता है, तो किस तरह से प्रोपेगेट करता है रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म्स में। अब हमें ये देखना है कि साउंड के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो हम उसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। तो लिखो साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास जार लें, इसमें एक हमने इलेक्ट्रिक बेल को यहां पे सस्पेंड कर दिया,
ठीक है, और इसके जो दो एंड्स हैं ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो पहले हमने वैक्यूम पंप को ऑन नहीं किया, तो अंदर एयर है, और हमने क्या किया, ये पूरा सर्किट कंप्लीट किया, बैटरी कनेक्ट की और स्विच प्रेस किया, तो बेल रिंग करेगी, बेल रिंग करेगी तो हमको साउंड सुनाई देगा, और अच्छा तेज साउंड सुनाई दे रहा है। फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप को ऑन किया, तो उसमें से क्या करेगा, एयर को विड्रॉ करेगा, और अंदर जो वैसे तो कंप्लीट वैक्यूम तो नहीं हो पाता है, लेकिन एयर क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम प्रेस करेंगे स्विच को, तो भी साउंड सुनाई देगा, लेकिन वो काफी कम आवाज का, काफी धीमा साउंड सुनाई देगा। तो ये यही बता रहा है कि पहले जब एयर थी तो साउंड क्या कर रहा था, उसमें ट्रेवल कर रहा था, कम हो गया तो कम ट्रेवल कर पा रहा। और अगर बिल्कुल वैक्यूम हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसे केस में, लेकिन अगर बिल्कुल वैक्यूम होगा तो साउंड बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, स्पेस में भी जैसे सन है, स्टार्स हैं, उनमें जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिलती है, उसमें रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, मतलब जैसे एक्सप्लोजन्स होते हैं खूब ज़्यादा, लेकिन उन एक्सप्लोजन्स का जो साउंड है वो साउंड अपने तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फियर है कुछ रेंज तक, उसके बाद क्या है, वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। लेकिन लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम से, इसलिए वो लाइट तो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन साउंड नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो विद द एयर इन दी जार। तो अपन इसको, इसका वर्किंग लिख रहे हैं, तो लिखो विद द एयर इन दी जार, विद द एयर इन दी जार, इफ वी प्रेस द स्विच ऑफ द वेल, स्विच ऑफ द बेल, इफ वी प्रेस द स्विच ऑफ द बेल, वी विल एबल टू हेयर इट, वी विल एबल टू हेयर इट, नाउ पंप आउट द एयर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, नाउ पंप आउट द एयर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, एंड अगेन प्रेस द स्विच, एंड अगेन प्रेस द स्विच। वी विल बी, वी विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू हेयर दी बेल, वी विल बी एबल टू हेयर दी बेल फीबली इफ एट ऑल, मतलब अगर सुनाई देगी तो भी क्या होगी, बहुत ही कम आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है साउंड जो है क्या चाहिए, उसके लिए मीडियम चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम है तो वो प्रोपेगेट कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और इससे ये भी पता चल रहा है, अगर साउंड फीबल हो गई, मतलब जितना मीडियम डेंस था
उतना ज्यादा साउंड आ रहा था, जितना कम डेंस होगा तो साउंड उतना क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए सॉलिड में स्पीड क्या होगी ज्यादा, लिक्विड में क्या होगी कम, गैसेस में और भी कम होती है। ठीक है, तो आगे लिखो, दिस शोज दैट साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन, मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन और मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है ना, प्रोपिगेशन का मतलब ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अगर हम मून पे जाएंगे तो बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मून में वैक्यूम है, तो हम वहां पे जाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। फिर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह कैसे बात करते हैं? हाँ, तो उनमें क्या होता है, वो जो बोल रहे हैं तो उनको तो क्या है, जो मास्क वगैरह पहनाया हुआ है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो वो बोल रहे हैं। और वो ऐसे नहीं बोल रहे हवा में, वो जिस एक माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, तो वो माइक्रोफोन क्या करता है, उन साउंड वेव्स को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वो वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो वो वेव दूसरे वाले पर्सन के पास जाएंगी और वहां पे जो दूसरे वाला पर्सन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा, और वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो उनको वापस से किसमें कन्वर्ट करेगा, साउंड में, जैसे अपना माइक सिस्टम काम करता है। तो माइक में जैसे हमने बोला, तो ये साउंड वेव ट्रेवल नहीं करके जाती, ये क्या करता है, उनको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वायर के थ्रू जाते हैं और स्पीकर वापस से उनको किसमें कन्वर्ट करता है, साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा आगे लिखो, अच्छा साउंड जो वेव्स हैं किस तरह की होती, अब वेव्स जन दो तरह की होती हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स। तो साउंड किस तरह की वेव्स होती हैं? तो लिखो, पहले तो लिखो टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट लिखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। देखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, जैसे वेव आगे जा रही है, अब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। ठीक है, अगर साउंड आगे जा रहा है और पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लिखो, इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन दी सेम डायरेक्शन, वाइब्रेट्स इन दी सेम डायरेक्शन एज दी डायरेक्शन ऑफ, एज दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, एज दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, देन इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, देन इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, आगे लिखो, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो, क्योंकि जैसे हमने देखा था डिफरेंट लेयर्स के, जैसे हम देखें या मीडियम में देखें, पार्टिकल्स क्या करते हैं, जैसे साउंड आगे जा रहा है तो आगे ही क्या करेगा, वो जो
रेयरफैक्शन या कंप्रेशन जनरेट करेगा। तो साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? रेयरफैक्शन कंप्रेशन की फॉर्म में, और उसको कैसा वेव बोला जाता है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसवर्स वेव में वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो देखो, इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन, वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन गिटार की स्ट्रिंग को जब प्लग करते हैं तो क्या करते हैं, अपन ने उसको ऊपर की तरफ खींचा या साइड में डिस्टर्ब किया, तो वेव तो कहाँ जाएगी? अलोंग द स्ट्रिंग। लेकिन डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है? पार्टिकल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। से ऐसे अगर एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने ऐसे एक रस्सी है, उसमें हमने इस तरह से डिस्टर्बेंस किया, तो वेव तो कहाँ जा रही होगी? आगे। लेकिन पार्टिकल्स कहाँ जा रहे होंगे? ऊपर नीचे। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। तो ये वेव प्रोपिगेशन की डायरेक्शन है, और जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे? अप एंड डाउन, ऐसे पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे वाटर सरफेस पे हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, तो उसमें क्या होते हैं? रिपल्स जनरेट होते हैं। तो रिपल्स में क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और फिर नीचे जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, वेव मोशन में कभी भी डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं। जैसे अगर तुम पानी में पत्थर ड्रॉप करोगे, अपने को ऐसा लगता है पानी दूर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर तुम वहां पे कॉर्क वगैरह रख दो, तो कॉर्क क्या करेगा? बस अपनी पोजिशन के अबाउट ऊपर नीचे होगा, इस तरह से मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे पानी लिया अपन ने, बकेट वगैरह टब में पानी लिया और उसमें एक कॉर्क रख दिया, तो बीच में अपन ने कुछ चीज ड्रॉप किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो कॉर्क क्या करेगा? अपनी पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस तो दूर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। बाकी जो लाइट है वो कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वो ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, वो आगे तुम लोग पढ़ोगे, मतलब हायर क्लास में पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। लेकिन फिर भी अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो लिख लो, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज।